हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में शेयर करता हूँ। मेरा क्या बचपन का सपना था कि मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे एक्टिंग का शौक था, तो मैंने यही सोचा था बड़े होकर एक्टर बनूंगा। तो लेकिन अब पढ़ाई लिखाई तो कुछ करनी पड़ती है, तो 12th के बाद मैंने IIT में इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मेरा था जैसी इंजीनियरिंग ख़त्म होगी मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूँगा, 3 महीने का कोर्स करके एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करूँगा, ऑडिशन दूंगा, एक्टिंग करूँगा। शुरू में तो पापा ने मुझे सपोर्ट किया, बोला ठीक है तू पढ़ाई कर ले, उसके बाद एक्टिंग कर लेना। लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं एक्टिंग रिस्की फील्ड है, उसमें काम मिले ना मिले तुम बॉम्बे मत जाओ स्ट्रगल करने, तुम यहीं रहो मेरे पास ही रहो। लेकिन मन में तो था डिज़ायर, एक्टिंग करने का बड़ा पैशन था। तो मैंने इंजीनियरिंग का मुझे कोई शौक नहीं था जॉब वॉब करने का, तो मैंने कभी जॉब नहीं किया, कभी इंटरव्यू नहीं दी, कभी रिज्यूमे भी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा, लेकिन अब एक्टिंग स्कूल की फ़ीस का मैं बोझ पापा पे नहीं डालना चाहता था, तो मैंने खुद वो एक्चुअली एजुकेशन भी मैंने लोन लेकर करी, लेकिन एक्टिंग स्कूल की फ़ीस जो थी वो 1.5 लाख रुपए थी 3 महीने की। तो पापा मुझे देते नहीं और मुझे उनसे चाहिए भी नहीं थी, तो मैंने सोचा 1.5 लाख रुपये कैसे भी करके खुद कमाने हैं, और जैसे ही ये पैसे आ जाएंगे फिर मैं एक्टिंग करने जाऊँगा। 1.5 लाख रुपये कमाने के लिए मुझे जॉब करना नहीं था, मेरा ज़िद थी कि मैं जॉब नहीं करूँगा। इसलिए मैंने फिर मुझे कोई इंश्योरेंस वाला बंदा मिला, मैंने उसने मुझे इंश्योरेंस कंपनी में जोड़ने की कोशिश की कि इंश्योरेंस में आप जुड़ जाओ, आप इंश्योरेंस बेचो। तो मुझे लगा ठीक है, इसमें पैसे अच्छे मिलते, जैसे ही इसमें 1.5 लाख रुपये मैं कमा लूँगा मैं ये छोड़ के अपना एक्टिंग के लिए स्ट्रगल शुरू कर दूँगा और एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर मैंने वो 1.5 लाख रुपए कमाने के चक्कर में इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की। शुरू में मुझे पापा ने भी मना करा कि नहीं ये सब हम इंश्योरेंस थोड़ा बेचेंगे, क्या कर रहे हो, छोड़ो ये नहीं करना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि नहीं मैं कर जाऊंगा, मैं कैसे भी करके इतनी पॉलिसियाँ तो बेच दूंगा कि मैं 1.5 लाख रुपये कमा लूँगा उसके कमीशन से और मैं अपने एक्टिंग स्कूल की फ़ीस भर दूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया और मेहनत करी, सारी पॉलिसी समझी, लोगों को समझाया, उनके बेनिफिट्स और इंश्योरेंस बेचा। तो उज्जैन में मैंने धीरे धीरे टॉप करा, फिर MP में टॉप करा, तो काफ़ी सारे पैसे आने लगे, कमीशन आने लगा, चेक्स आने लगे, अच्छा मुझे सक्सेस मिलने लगा, अवार्ड्स मिलने लगे। फिर पापा ने भी देखा यार कुछ तो है इस कंपनी में, अच्छे पैसे भी अच्छे कमा रहा है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, वो भी मुझे सपोर्ट करने लगे। फिर उनके भी जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनको हमने पॉलिसी समझाई, पॉलिसी बेची। फिर ऐसे ऐसे मैंने इंश्योरेंस में इंडिया में टॉप करा, मतलब टॉप 2nd, टॉप 3rd, टॉप 10 एडवाइज़र्स में मैं आने लगा फाइनेंशियल एडवाइज़र्स में। और फिर काफ़ी सारी मैंने फॉरेन ट्रिप्स भी जीती, मतलब मैं 10 कंट्रीज़ इंश्योरेंस के थ्रू मैं देख चुका हूँ, दुबई, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, पेरिस, हॉलैंड वगैरह। और काफ़ी सारे मैंने 5 साल से MDRT भी कर रहा हूँ इसमें। तो लेकिन जब मैं 1.5 लाख रुपये कमाने में पापा से बात करी थी कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे एक्टिंग स्कूल में जाने दो, उन्होंने मेरा जाने नहीं दिया और मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं तुम यही करो, पर ये इंश्योरेंस में तुम इतना अच्छा कर रहे हो क्यों छोड़ के जाना चाहते हो। लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सबने बड़ा मजाक भी उड़ाया, दोस्तों ने भी सबने कि तुमने IT में इंजीनियरिंग करी है, तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, ये इंश्योरेंस क्या कर रहे हो। लेकिन मेरे दिल में थी आवाज़ थी कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे जिसमें खुशी मिलती मैं वो करूँगा। अब लोगों की लाइफ को प्लान कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली वालों को पीछे से क्या होगा। ये कई क्लेम्स भी मैंने करे लोगों को, फैमिलीज़ को पैसे भी दिए, तो फिर वो उनको जो मुझे थैंक्स करते हैं वो खुशी मिलती है कि बोलते हैं नहीं अब हमें फाइनेंशियली ज़रूरत थी तो आपने हमें पैसे दिलवा दिए, एक वो अच्छा फीलिंग लगी मुझे। लेकिन फिर भी एक इतना इंश्योरेंस में टॉप करने के बाद मुझे एक स्टेगनेंसी सी आ गई कि अब आगे क्या क्या करें, बोर हो गए। फिर मुझे पापा ने बोला कि तुझे एक्टर तो बनने देंगे नहीं, तू ऐसा कर, मेरे पापा भी हाथ देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा तुम न्यूमरोलॉजी सीख लो, न्यूमरोलॉजी करो, ये अच्छी फील्ड है। मैं भी 4 का हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, नाड़ी के पी एस्ट्रोलॉजी सीखी जो काफ़ी एडवांस और एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी है। तो वो दोनों सीख के मैं आगे बढ़ा, फिर मेरे जूम TV पे शो आए, वहाँ से मिथुन दा ने मुझे देख कर बुलाया और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोग क्लाइंट मिले, मैं अभी प्रेजिडेंट से भी मिला। उसमें मेरा अच्छा, उसमें भी मुझे लोगों ने बोला कि यार तुम अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, क्या पंडित बन गए, क्या ये कुंडलियाँ देख रहे हो, क्या नंबर न्यूमरोलॉजी कर रहे हो। लेकिन मेरे को उसमें बिलीव था नहीं कि ये भी काम बहुत अच्छा है, इससे भी लोगों की लाइफ सुधर सकती है, लोगों का फ़ायदा हो सकता है। फिर जब लोग आके मुझे थैंक्स बोलते हैं कि थैंक्स सर आपने हमें जो गाइड करा उससे हमें ये सक्सेस मिला है, उससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिला, उससे हमें ये लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प हुई, मज़ा आया, फ़ायदा हुआ, तो वो मुझे थैंक्स करते हैं दिल से, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो जो हैप्पीनेस मिलती है, वो मेरे लिए सक्सेस है। कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी नेम फेम मिल जाए, वो एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन में ही आपको असली सक्सेस मिलता है, वो खुशी मिलती है। तो उन लोगों को जो लोग थैंक्स करते हैं,
दिल से मुझे दुआ देते हैं, तब जो मुझे फीलिंग आती है वो मेरे लिए सक्सेस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी छोटी सी लाइफ में 10 कंट्रीज़ देख ली, इंश्योरेंस में टॉप कर लिया, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में मैंने अच्छा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी एक सपना देखो, उसको पकड़ के अपने दिल में विश्वास रखिए, मन में बिलीव रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। जब आपने दिल में ये बात मान ली तो आप वो कर जाओगे। लोग आपको बोलेंगे, दुनिया बोलेगी ये मत करो वो मत करो, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आप दुनिया को सब छोड़ दो, मत भाड़ में जाने दो, मत सुनो। अगर आपके दिल में आवाज़ आ गई कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। मतलब मैंने इसलिए ये आपके साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं करना चाहता था जो चीज़ वो मैंने करी। एक्टर मुझे बनना था और मैं ये सोचता था कि मुझे भी अवार्ड्स मिलेंगे, मैं बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में जाऊँगा, शूटिंग करूँगा ये वो। तो अवार्ड्स मुझे इंश्योरेंस में मिले बहुत सारे, और फॉरेन कंट्रीज़ भी मैंने इंश्योरेंस के थ्रू बहुत सारी देख ली। तो वो जो सपना था वो भी एक पूरा हो गया। और टीवी पे आने का था, तो मैं जूम टीवी पे या दूसरे चैनलों पे मेरी इंटरव्यूज़ और शोज़ वगैरह एक दो आए हैं, वो भी आ गए। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप दिल से ठान लो तो आप हर चीज़ कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।